क्योंकि पिछले 5 साल में जो हमने भुगता है, पिछले 5 साल जो हमारे साथ जिस तरीके का सलूक हुआ, हमें इंसान ही नहीं समझा गया। जब किसी को इंसान नहीं समझा जाता तो उसके साथ इंसानियत का सलूक नहीं किया जा सकता। पिछली हुकूमत में हमें इंसान ही नहीं समझा गया। फिरका परस्त ताकतों ने जब एक गरीब मुसलमान को ठेला लगाने से रोका तो मुस्लिम मुलाजमीन को क्यों कर अच्छे अहदे अच्छी पोस्टिंग मिलती। बेंगलुरु में शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद ने इन ख्यालात का इजहार किया। 10 जुलाई 2023 बरोज इतवार केएमडीसी भवन में सरकारी मुस्लिम मुलाजमीन के इजलास से रिजवान अरशद ने खिताब किया। रिजवान अरशद ने कहा कि रियासत की नई हुकूमत से कई उम्मीदें वाबस्ता हैं। अवाम की उम्मीदों पर खरे उतरने की हुकूमत की जानिब से पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन मुसलमान अपनी जिम्मेदारियों के सिलसिले में गफलत न बरतें। बिरादरान वतन से दीगर मजाहिब और तबकों से बेहतर ताल्लुकात बनाए रखें ताकि समाज में हमेशा अमन इत्तेहाद भाईचारा बरकरार रहे। तो नाजरीन पेश है रिजवान अरशद का फिकर अंगेज खिताब। जुनूबी न्यूज रिपोर्ट। हम सब मिलकर आगे बढ़े। बदले हुए हालात में हमें थोड़ी रोशनी नजर आ रही है कि आने वाले दिनों में हमारे कौम का मुस्तकबिल हमें कैसे बनाना है, क्योंकि पिछले 5 साल में जो हमने भुगता है, पिछले 5 साल जो हमारे साथ जिस तरीके का सलूक हुआ, हमें इंसान ही नहीं समझा गया। जब किसी को इंसान नहीं समझा जाता तो उसके साथ इंसानियत का सलूक नहीं किया जा सकता। तो ये कोई एग्जैजुरेशन नहीं है, मैं खींचताछ की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमें इंसान नहीं समझा गया। हमारे जो हकूक है, जो आम इंसानी हकूक है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, आईन हो या ना हो, एक इंसान को अपनी जिंदगी बाविकार इज्जत के साथ गुजारने का हक है, वो हक भी छीनने की कोशिशें की गई, कई मौकों पर छीनी भी गई। एक हमारा भाई ठेला लगा करके पूरे दिन धूप में पसीना बहाकर कुछ बेचता है और दिन के 500 रुपये कमाकर घर ले जाता है अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए। उसको तक रोका गया कि तुम यहां ठेला नहीं लगा सकते क्योंकि तुम मुसलमान हो, तुम यहां ठेला नहीं लगा सकते, तुम इस इलाके के अंदर नहीं आ सकते और तुम कुछ भी करो, तुम ये काम नहीं कर सकते। जब एक ठेला लगाने वाले का ठेला नहीं लग सकता तो क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है? क्या उस कौम का एक आम फर्द किसी ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में चला जाए तो उसका इंसाफ, उसके साथ इंसाफ हो सकता है, क्या उसका काम हो सकता है? नहीं हो सकता। मान लीजिए हमारा कोई भी आदमी, कोई भी मेंबर गवर्नमेंट में नहीं हो, आप सब कोई एम्प्लॉय नहीं है, तब भी हमारा काम, हमारे जो हकूक है हमें मिलना चाहिए। क्या हमारे नुमाइंदे होंगे तभी होगा, तभी मिलेगा? ऐसा तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। हिजाब का मसला हमने देखा, हलाल का मसला हमने देखा, अजान का मसला हमने देखा, व्यापारियों का व्यापार करने का मसला हमने देखा जी, स्कॉलरशिप का मसला हमने देखा, कई सारे लोगों को सड़कों पर मार दिया गया और हुकूमत की तरफ से एक हमदर्दी का एक लफ्ज तक नहीं सुना, और उसको मारने के बाद उनको फख्र महसूस होता था
कि उनका एक पॉलिटिकल प्रोग्राम जारी है। एक मंगलूर के तो मसले में चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि दो जो नौजवान जिन पर गोली चलाई गई, फाजिल और कोई नाम मैं भूल रहा हूं, माफ कीजिएगा, कि इनको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। और कॉम्पनसेशन दिन अनाउंस होने के बाद अगले दिन इन फिरका परस्त ताकतों सर का दबाव जिस तरीके से पड़ा, मैंने कहा नहीं देंगे। मतलब क्या होता है, क्या हुकूमत थी ये, क्या एक समाज जिसमें सबको इंसान समझ सके ऐसा कोई समाज था, क्या था वो? बर्बरियत नहीं थी क्या? टूबी का मसला जो हमारे सामने आया, तो मेरी और नसीर साहब की वही बात हो रही थी कि टूबी जो इन्होंने फैसला किया, ये फैसला आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इसलिए इंप्लीमेंट नहीं हुआ है कि वक्त पर कोर्ट गए हैं, हम लोगों में से भी गए हैं, और जिस मैं दबे अल्फाज से कह रहा हूं समझ जाइए, मैं जिस सियासी जमात से ताल्लुक रखता हूं, हम सब रखते हैं, मैं और नसीर साहब, उस जमात के जरिए गए। और हमने ये देखा कि कोर्ट में ठीक से आर्ग्यूमेंट हो, और वहां के तुषार मेहता जो उनके एसजी हैं, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने अंडरटेकिंग दिया कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि पिछले 5 साल ऐसे हालात हमारे सामने रहे, और जाहिर सी बात है कि हम सब परेशान थे, हम सब डरे हुए थे। मैंने पिछले 5 साल में आपकी कभी मीटिंग होते हुए सुनाई नहीं दी मुझे, हुई है ओरिएंटेशन अलग बात है, फिलहाल मीटिंग हुई है नहीं हो पाई। मैं पूरे स्टेट पे नजर रखता हूं, तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि हालात कैसे भी हैं, हालात एक जैसे नहीं हो सकते, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। अगर कल हम नहीं संभाल पाए तो हो सकता है और खुदा ना करे उसी हालात की तरफ हम चले जाए। हमें एक दूसरे के साथ मिलते रहना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। और हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, हुकूमत नहीं रही होगी, जो हुकूमत पे इख्तदार में खाबिज जो लोग हैं वो नहीं रहे होंगे, और जो लोग वहां खाबिज थे जिनके आवाज उठानी थी उन्होंने आवाज नहीं उठाई होगी। लेकिन आपको मैं कहना चाहूंगा कि इस माशरे में, इस समाज में कई सारी बहुत बड़ी ऐसे अख्वाम हैं जो हमारी कौम से नहीं है, वो मुसलमान नहीं होंगे, लेकिन उनको हमारे साथ हमदर्दी थी, उनको हमारे साथ हमदर्दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे में ये कमजोरी थी कि हम उन तक रीच आउट नहीं कर पाए, हम उन तक हाथ नहीं बढ़ा पाए, उनका ताउन पूरी तरीके से हम नहीं ले पाए। तो वहां पे हमारी एक फेलियर रही है, ये हमें मानना होगा और इसको सही करना होगा। सिर्फ मुस्लिम एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन बनाकर जितोजहद करने से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं हमें एक अहिंदा वेलफेयर एसोसिएशन भी बना करके साथ लेकर चलना है। और आप सबको भी पता होना चाहिए कि इस कौम के दोस्त कौन है, कौन है, यह आपको पता होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि हमें किसके साथ करीब ताल्लुकात रखनी चाहिए, किसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलना चाहिए। उनके वेलफेयर एसोसिएशन के साथ भी आपकी मीटिंग होनी चाहिए, आपको बैठना होगा, कॉमन कॉज पे उतरना होगा। जरूरी नहीं कि हर बार नाइंसाफी हमारे साथ हो तो हम उसी वक्त बाहर निकले, जब उनके साथ नाइंसाफी हो तो भी हम पहले पेश पेश आकर बाहर आए। जब तक हम ये कभी भी क्या है, लॉ ऑफ नेचर, कुदरत जो है इसलिए हमारे फेवर में नहीं होगी क्योंकि हम उस खुदा के अजीज बंदे हैं, कुदरत कानून पर चलती है। कानून कुदरत ये कहती है कि अगर
आपने सही इकदाम उठाए तो आपके नताइज सही होंगे। अगर हम सोते रहेंगे, हम लोग सिर्फ अपनी बात हम ही करते रहेंगे, तो हमारी बात कोई नहीं करेगा। और ये भी मत सोचिए कि हम जैसे ही दूसरों की बात करेंगे वो दूसरे दिन हमारी बात करेंगे। हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने होंगे, साथ आकर उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना होगा, क्योंकि हमारा उनके सामाजिक हालात एक ही तरह थे। उनको थोड़ा बढ़त मिल गई, हम पीछे रह गए, क्योंकि हमारे पास तालीम की कमी है, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं। इस मुल्क में जो रिसोर्सेस हैं, इस मुल्क की जो मिल्कियत है, ये मिल्कियत का 1% हिस्सा भी शायद हमारे पास नहीं है। हमारा कोई कॉर्पोरेट कंपनी ऐसे नहीं है कि हम जिन पर हम कह सकें कि कॉर्पोरेट एसेट्स हमारे पास इतनी है। हमारे पास कॉपरेटिव में कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि बहुत सारा सारी मिल्कियत कॉपरेटिव में है। हमारे पास इतने बड़े लैंड बैंक्स नहीं है। हम एक ऐसी फॉर्म है जिसमें वक्फ तीसरा बहुत बड़ा इदारा है, लेकिन वो देखने के लिए अच्छा है, हमारे कोई काम नहीं आ सकता या आने की तरह हमने बनाया नहीं, उस पर भी बहुत काम करना बाकी। तो ऐसी फॉर्म हमें बैठकर अपने इस पर बात करनी चाहिए, हालात पर बात करनी चाहिए, हमारी कमजोरियों पर हमें निगाह डालनी चाहिए कि इसको हम सही कैसे करें। तकरीबन 80 लाख आबादी रखते हैं हम इस रियासत, तकरीबन 80 लाख आबादी रखते हैं, और मेरे ख्याल से 10% भी लोग ऐसे नहीं हैं जो खुशहाल हो, फहाल हो, माशी तौर पर अच्छे हालात में हो। 90% लोग आज भी 3 वक्त के खाने पर परेशान हैं, पक्का घर है नहीं है। जब इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, उसमें सच में हमारे हालात क्या है हम देख सकते हैं, क्योंकि हमने कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया है कि हम उसको जाए चाहे उसको ले सकें, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी मशीनरी नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने और आपको हम सब उस 10% में आते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो ट्रेडर्स हैं, कुछ ना कुछ अल्लाह ने जिन्हें साहिब निसाब बनाया। तो आप जो है हमारी फॉर्म के नुमाइंदे, आप एक गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर बैठे हैं, जिस गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर खदम रखने के लिए हमारा भाई या हमारी बहन 10 बार सोचता है कि अंदर जाऊंगा तो मेरे साथ क्या सलूक होगा, कैसे बात करना पड़ेगा। कई जगह के लैंग्वेज मुताबिक हुए थे। अब 2023 में असेंबली इंतखाबात में रिजवान अरशद साहब ने शिवाजी नगर हल्के से कामयाबी हासिल की है। जब से इन्होंने कामयाबी हासिल की, अब तक शिवाजी नगर हल्के की खिदमत में लगे हैं। इनकी सादगी, इनका खुलूस, इनकी कौम की खिदमत हम सब पर आया है। हम देख रहे हैं क्या ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। जवां साल इस हायत पर कौम को फख्र है, इनकी तहनीत इस शहर के साथ की जाती है। केएससी मेवा की जानिब से जवां साल कायद रिजवान अरशद साहब की तहनीत इस शहर के साथ की जाती है। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में। वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। ये जीतोजात कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं, पर इनकी तादी रायचूर और रामनगर की टीम इनकी खिदमत तहनीत दे रही। गदक रायचूर रिजो अमित भाई रिजवान अरशद साहब की तहनियत हो रही है केएससी मेवा के जिम्मेदारों से।